हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ, दीप्ति सक्सेना। आपके अपने चैनल पर स्वागत करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल रही हैं, मैं फिर से प्रेजेंट हूँ कुछ नया टॉपिक लेके, ट्रिक के साथ। तो आज मैं आपको फिर से मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ, और मैथ्स भी मैंने जो है बेस से शुरू किया है, यानी कि छोटे बच्चों को बेस से कैसे हम लोग फिफ्थ तक लेके जाते हैं, फिफ्थ के बाद कैसे एट्थ तक लेके जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि जब हम बच्चे छोटे होते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स को लेके, वो बहुत एकदम डराने वाला होता है। बच्चे ना हमेशा मैथ्स की बुक या मैथ सब्जेक्ट सुन के एकदम डरने लगते हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसा ही करते हैं कि टेंथ के बाद स्किप ही कर देते हैं, लेते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें एक डर बना होता है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है मैथ्स को लेकर, वो बिल्कुल गलत होता है। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं बात को, या जो हमारा सम्स है या जो हमारे नंबर्स हैं या जो हमारे डिजिट है, उनको नहीं समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लोग बेस से स्टार्ट कर रहे थे और आगे ऐसे कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस। तो क्लास को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती हूँ, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और आज का टॉपिक है नंबर नेम्स। ये देखिए, ये बेसिक क्लास में आता है, आप बच्चे को ना कोई नंबर लिख के दो, ठीक है, फिर वो भूल जाएगा, वो ऐसा सोचेगा 1400, उसको यही नहीं पता होता कि वो डिजिट हमने 100 से दिया है, मगर वो 1000 समझता है। उसकी भी सेम ट्रिक है, मैं पहले आपको काउंटिंग्स में बता चुकी हूँ, जो मैंने सम्स करवाए थे एडिशन के, ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ मैंने बहुत ईजी तरीका बताया बच्चों को कैसे सिखाते हैं। इसी चीज़ को लेकर मैं आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ। देखो ट्रिक, देखो भी मेथड रखना कि हमें ऊपर क्या लिखना है, 1, 10, 100, 1000, उसके बाद आप इन डिजिट्स को बढ़ा भी सकते हैं, लैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को ये पूरा लिखना है। लिखने से क्या होता है बेनिफिट, बच्चे को पता होता है कि ये वन है तो ये वन, टेन टेन, हंड्रेड हंड्रेड, थाउजेंड थाउजेंड। अब आपको इसी ट्रिक से क्या सिखाना है, नंबर्स नेम। बहुत आता है ये छोटे बच्चों को एग्जाम में, आता होगा, मेरी बात से सहमत हो गए, बुक्स देखो, सिलेबस देखो अपना। ठीक है, अब इसको मैं करके बताती हूँ। ऊपर आप ऐसे लिख दो, फिर बच्चा जिंदगी भर गलती नहीं करेगा नंबर्स नेम को लेके, उसके दिमाग में ये पैटर्न है ना फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्स। तो देखो कैसे करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, थाउजेंड से। थाउजेंड के नीचे क्या है, वन, तो ये हमारा क्या हुआ, 1000 लिख दो, 1000 लिख दिया। उसके बाद देखो 100 के नीचे 0 है, तो यानी कि हमें ये लिखना ही नहीं है। उसके बाद 10 के नीचे देखो 5, और इसके नीचे देखो 4, तो 10 है यानी कि हमारा 50, सीधा सीधा बना 50 है। भाई मैंने आपको जो कल सम्स भी बताए थे, जो मैंने काउंटिंग्स भी बताई थी, तो 10 के नीचे अगर 5 है तो 50, 4 है तो 40, 3 है तो 30, ठीक है, 5 है तो यानी 50, 50। अब क्या है, 4, वंस के नीचे क्या है, 4, ये हमारा बन गया पहला नंबर। अच्छी थी ना ट्रिक, चलो एक और करते हैं। अभी देखो 1000 के नीचे क्या है, 2, तो क्या बना, 2000, 2000। अब इसके नीचे क्या है, 100 के नीचे 2, तो क्या बना, 200, ठीक है, 200। फिर उसके बाद क्या है, 40, भाई 10 के नीचे 4 है तो 40, 40, 1 के नीचे 6 है, 46, करेक्ट। देखा, एक छोटी सी ट्रिक से हमने ऊपर से लिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाइक वगैरह लिख के बच्चों को नंबर नेम बहुत ईजी तरीके से सिखाते। ठीक है, यह टीचर्स को अपनाना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर टीचर्स पैटर्न अच्छा यूज करते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वीक बच्चों के लिए हम कह सकते हैं कि ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, घर में भी सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद 1000 के नीचे देखो फिर क्या है, 7, क्या है, 7, तो क्या लिखती हूँ मैं, 7000। 100 के नीचे क्या है, 2, तो 200। और वो 10 के नीचे क्या है, 4, तो 40, 48,
हो गया, ये देखो। ठीक है, इसी तरह से आप बच्चे को ये वाली ट्रिक से सम्स हो गए, ठीक है, काउंटिंग्स हो गई, नंबर्स, नेम्स। आगे मैं ऐसे ही इसी पैटर्न से बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ, तो चैनल पे बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर नोटिफिकेशन। जब भी कोई मैं नई क्लास लेके आऊँगी आपके पास सबसे पहले आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, नमस्ते।